हाँ बच्चे, आज हमारा पहला लेक्चर है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट। तो आज हमने चैप्टर नंबर 1 का मुझे करना है इंट्रोडक्शन। ठीक है बच्चे, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें यही डिफाइन करना है केमिस्ट्री होती है। ठीक है बच्चे, तो केमिस्ट्री को अगर हम डिफाइन करना चाहे केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री, तो उससे पहले हमें ये पढ़ना पड़ता है कि व्हाट इज मैटर, मादा क्या होता है। ठीक है बच्चे, यू अंडरस्टैंड इट। तो सबसे पहले हमें देखना है व्हाट इज मैटर। चैप्टर का नाम है हमारा बेसिक कंसेप्ट, कंसेप्ट। ओके बच्चे, ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ने लगे हैं व्हाट इज मैटर, ये मादा क्या होता है। अच्छा, एक मैटर होता है मामले वाला मैटर। तो बच्चे मैटर क्या है, मादा क्या है, अभी याद रख ले। हर वो चीज, आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, छोटी क्लास में पढ़ी होगी, हर वो चीज जो जगह घेरती है और क्या करती है, वजन रख के, मैस रख के, वो क्या है, वो मैटर है। यानी एवरीथिंग, हर वो चीज, एवरीथिंग, एवरीथिंग विच हैव मैस, जिसके पास अपना मैस है, एंड आपको बाई वाली इज कॉल्ड मैटर। समझ आ गई बच्चे? अब अगली बात यह है बच्चे, अब मेरी बात सुने, लिख लिख मेरी बात सुने बच्चे। हम मादे को मुख्तलिफ लिहाज से क्लासिफाई कर सकते, क्या कर सकते हैं बोला, जैसे हम कहते हैं मादे की तबई लिहाज से 4 सूरतें, वो कौन सी है बोला, वो हमारे पास है गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड प्लाज्मा। लेकिन यहां पर जो मैं मादे की क्लासिफिकेशन करने लगा हूं, विद रिस्पेक्ट टू उसकी कंपोजिशन के लिहाज से कर लगा, तो कंपोजिशन के लिहाज से हमारे पास मादा जो है ना मैटर, वो दो अकसाम हो गए। कितने अकसाम के बोला, उसमें एक बच्ची हमारे पास उठा है प्योर मैटर। क्या होता बोला, यानी हमारे पास जो मैटर है बच्चे, मादा है, वो कितने अकसाम का बोला, दो अकसाम। एक क्या है बोला, प्योर मैटर, प्योर, और दूसरा क्या है बोला, इम्प्योर। ओके बच्चे, अब प्योर मैटर जो है जिसे हम सबस्टांस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोला, दूसरे लफ्जों में प्योर मैटर को हम क्या बोलते हैं, सबस्टांस। ओके बच्चे, और इसको इम्प्योर मैटर को हम मिक्सचर बोलते, क्या बोलते हैं बोला, समझ आ गई बच्चे। हाँ भी शम्सुर मान लीजिए, यू अंडरस्टैंड, यस सर। तो बच्चे अगर आपसे पूछे व्हाट इज सबस्टांस, ये सबस्टांस क्या होता है, आपने कहना है प्योर मैटर इज नोन एज सब्सटेंस, प्योर मैटर इज नोन एज, एंड इम्प्योर मैटर इज नोन एज मिक्सचर। अब हमारे पास जो प्योर मैटर है उसकी फर्दर दो अकसाम, जो खास खालिस मादा है ना उसकी कितनी अकसाम बोला, दो अकसाम। वो कौन सी दो अकसाम बच्चे, बच्चे उसमें एक हमारे पास प्योर मैटर हो सकता है एलिमेंट, क्या हो सकता है बोला, एलिमेंट, और दूसरा हमारा होता है क्या बोला, कंपाउंड। ओके बच्चे, एक क्या होता है एलिमेंट और दूसरा क्या होता है, कंपाउंड होता है। लेकिन जो हमारा इम्प्योर मैटर है जिसे हमने मैंने मिक्सचर कहा, ये फर्दर दो अकसाम का, या तो ये हो सकता है होमोजीनियस और या फिर हो सकता है हेट्रोजीन। ओके बच्चे, क्या क्या हो सकता है वाला, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस हो सकता है या फिर हेट्रोजीनियस। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या है बच्चे, मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन, जिसकी कंपोजिशन सेम हो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा होमोजीनियस। अब इसकी मिसाल क्या है होमोजीनियस मिक्सचर की, अलग अलग मेरी बात बच्चे, जो होमोजीनियस मिक्सचर है इसके एग्जाम्पल की बात हो तो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा हो सकता है बच्चे, एयर। एयर क्या बोला बच्चे, वो मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर है और साथ साथ क्या है, होमोजीनियस है, उसमें कंपोजिशन सेम है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर, यानी जिसकी ओवरऑल कंपोजिशन सेम होगी वो होमोजीनियस है। दूसरे लफ्जों में हम होमोजीनियस मिक्सचर को सोल्यूशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं वाला, ये याद रखना है, होमोजीनियस मिक्सचर आर आल्सो नोन एज सॉल्यूशन। अगर आपसे चैप्टर नंबर 9 में हमने पढ़ा है सॉल्यूशन क्या होता है,
ठीक सॉल्यूशन के रिलेटेड पढ़ना है, तो वहां हम डेफिनेशन करेंगे होमोजेनियस मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे भला? होमोजेनियस मिक्सचर। सही है बच्चे। तो यहां पर होमोजेनियस मिक्सचर हो सकता है और हेटरोजीनियस। तो अगर हेटरोजीनियस मिक्सचर कौन हो सकता है? फिर सॉइल जो आपकी मिट्टी है ना, सॉइल ये हेटरोजीनियस मिक्सचर है, इसकी कंपोजिशन डिफरेंट है। जहां हमारे पास और कंपोजिशन है, तो आप रेत रेतले इलाके में जाए तो वहां कंपोजिशन चेंज हो जाती है, ठीक है, तो वो हेटरोजीनियस मिक्सचर है। ओके बच्चे। अब बच्चे मैंने कहा था जो प्योर सब्सटेंस है इसकी दो अक्सा या तो वो है अभी बच्चे हेटरोजीनियस की डेफिनेशन की मिक्सचर है व्हिच हैव नॉट सेम कंपोजिशन ओवरऑल, जिसकी ओवरऑल सेम कंपोजिशन नहीं है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, बल्कि लिखे मिक्सचर व्हिच हैव नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज नोन एज हेटरोजीनियस मिक्सचर एंड इट्स एग्जांपल इज सॉइल। मुझे समझ आ रही है उस्मान बच्चे? ये मुझे याद हो रही है क्या होता है होमोजेनियस मिक्सचर व्हिच हैव सेम कंपोजिशन यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड व्हिच हैव नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज नोन एज हेटरोजीनियस। हेटरोजीनियस के एग्जांपल मैंने क्या बताई है? सॉइल। और होमोजेनियस की एयर, ठीक है, एयर जो है वो मच है, इसके साथ साथ शुगर एंड वाटर, जो शुगर एंड वाटर होती है वो भी क्या होती है? होमोजेनियस मिक्सचर होती है। ओके बच्चे। इसलिए आपको पता है जब हम शुगर पानी में डाल लेते हैं उसे हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भला? प्योर मैटर हमारे पास दो अक्सा कौन कौन से? एक तो एलिमेंट और दूसरा क्या है? कंपाउंड। सुन लेना हमारा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा कंसेप्ट है, ये एलिमेंट और कंपाउंड में क्या फर्क होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है। तो बच्चे आपको पता है हमारे पास डिफरेंट अक्साम के एलिमेंट्स हैं, सोडियम एक एलिमेंट, ठीक, अच्छा इसके साथ और हमारे पास कार्बन है, सॉरी कार्बन एलिमेंट है, कैल्शियम एलिमेंट है, मैग्नीशियम एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट। तो अगर एलिमेंट की डेफिनेशन की बात हो शम्सुर्रहमान बच्चे, अगर आपसे पूछ जाए डिफाइन एलिमेंट, एलिमेंट को डिफाइन करें तो आप कैसे? हाउ यू डिफाइन एलिमेंट? भाई देखिए हमारे पास एक टुकड़ा है सोडियम, ये Na का टुकड़ा है, ठीक है, डिफाइन और डेफिनेशन बताने लगा वो एलिमेंट, ये हमारे पास क्या है? सोडियम का एक टुकड़ा है Na का, फर्ज कर लेते हैं इसमें लाखों एटम है, 1000 इसमें एटम, वैसे तो काफी सारे एटम है, तो वो सारे के सारे एटम सोडियम के होंगे ना, सोडियम एलिमेंट, तो एटम किसके होंगे? सोडियम के। अब सोडियम के जितने एटम होंगे बच्चे उनका एटॉमिक नंबर 11 ही तो होगा, अगर एटॉमिक नंबर चेंज हो गया तो वो तो सोडियम नहीं रहेगा, अगर 12 हो गया तो बच्चे मैग्नीशियम है, वो सोडियम नहीं रहा, वैसे रहा भाई। तो यहां जितने एटम सोडियम के होंगे उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा, वो कितना होगा? वो 11 ही होगा बच्चे। अब जी नेक्स्ट बात ये है कि वो सारे जो सोडियम के एटम है उनका मेथड ऑफ रिएक्शन भी सेम होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, उनकी रिएक्शन करने का मेथड भी सेम होगा। तो अगर आपसे पूछता है व्हाट इज एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है, तो आपने कहना है एलिमेंट इज प्योर सब्सटेंस, वो प्योर मादा है। अस्तैन बच्चे एलिमेंट क्या है भला? एलिमेंट एक ऐसा प्योर मैटर है जिसके सारे एटम, पहले मेरी सुन ले फिर मैं लिखूंगा। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट प्योर मैटर, क्या है भला? Whose all atom, जिसके सारे एटम have same atomic number, उनके सबका एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है, have same chemical property, is known as element, जिसे हम एलिमेंट कहते हैं। ये आप यूं कह सकते हैं प्योर सब्सटेंस whose all atom, जिसके सारे एटम हैव सेम एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर सेम हो एंड हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो, सेम हो, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे भला? एलिमेंट। तो हाउ वी कैन डिफाइन एलिमेंट? बच्चे एलिमेंट अगर डेफिनेशन की बात हो कि एलिमेंट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, बच्चे हम यूं डिफाइन कर सकते हैं एलिमेंट को, एलिमेंट कैन बी डिफाइन एज, यहां मैं लिखता हूं एलिमेंट, तो एलिमेंट कैन बी डिफाइन एज प्योर सब्सटेंस, सब्सटेंस हैविंग एटम, जिसमें एटम हो, हैविंग एटम ऑफ सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज,
ये हमारे पास होगी एलिमेंट की डेफिनेशन। बच्चे इसके बाद अगर हम आपसे पूछ जाए कि फिजिकल लिहाज से, समझ आ रही हो, फिजिकल लिहाज से एलिमेंट कितनी हालतों में पाए जाते हैं? बच्चे फिजिकल लिहाज से एलिमेंट तीन हालतों, कितनी हालतों पर? वो तीन हालतें कौन सी हैं? यानी एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के लिहाज से एलिमेंट कितनी हालतों में पाए जाते हैं? तीन हालतों। वो तीन हालतें बच्चे कौन सी हैं? उसमें या तो हो सकते हैं सॉलिड, कितने क्या बोला, एलिमेंट, या हो सकता है लिक्विड, और या फिर हो सकता है गैसियस फॉर्म में। किसमें बोला? गैसियस फॉर्म। सही है बच्चे, एलिमेंट किस किस स्टेट में पाए जाते हैं फिजिकल लिहाज से? और बच्चे अगर सॉलिड की बात तो याद रख ले मोस्ट ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म। ये सॉलिड में बोला, मोस्ट एलिमेंट किस सॉलिड में पाए जाते हैं? सॉलिड। मिसाल दे बच्चे सोडियम कार्बन, ठीक है, सोडियम एन एच ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, कार्बन सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, अक्सर जो हमारे मेटल्स हैं वो भी सॉलिड है, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। मोस्ट ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म, ठीक। अच्छा लिक्विड फॉर्म में भी है, और ये हालत है एट नॉर्मल कंडीशन, ठीक है बच्चे। बच्चे लिक्विड फॉर्म में याद रख लें जस्ट दो एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म? दो एलिमेंट, कितने वाला? वो कौन कौन से बच्चे? उसमें एक है मरकरी और एक है ब्रोमीन। ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो के सॉलिड पाए जाते हैं लिक्विड फॉर्म। सही है बच्चे, फिजिकल स्टेट एलिमेंट के ये मैटर। बच्चे एलिमेंट भी फिजिकल लिहाज से तीन हालतों पर, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म। सॉलिड की फिजिकल स्टेट्स क्या? गैसियस, लिक्विड, सॉलिड एंड प्लाज्मा, ठीक। लेकिन यहां हम एलिमेंट्स की फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं, वो तीन है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अच्छा इसके बाद सॉलिड के बाद नंबर में गैसियस एलिमेंट, वो भी काफी ज्यादा है, जैसे हाइड्रोजन गैसियस है, हीलियम गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। तो यानी काफी सारे एलिमेंट के सॉलिड में पाए जाते हैं गैसियस सॉलिड। तो मुझे याद रख लें इसके बाद अगर हम एलिमेंट्स को कार्बन जो है वो सॉलिड में होता है, सॉलिड फॉर्म गैस में जो होती है, भाई कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो तो कंपाउंड है, वो एलिमेंट तो नहीं है ना। CO2 इज नॉट एलिमेंट, दैट इज कंपाउंड। वो सही है भाई, वो कार्बन का ऑक्साइड है, वो एलिमेंट नहीं है। वो समझ आ गई बच्चे? वो बच्चा कह रहा है जो कार्बन है वो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, मिसाल ये CO2, तो CO2 को भी कार्बन नहीं है सर, ये हाइड्रोजन है, ये गैसेस फॉर्म, गैसेस फॉर्म एलिमेंट हो, गैसेस फॉर्म टू एलिमेंट, ठीक। NaCl कंपाउंड, NaCl तो कंपाउंड है, NaCl इज कंपाउंड नॉट एलिमेंट। एलिमेंट की बात तो ये एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, हीलियम एलिमेंट है, आर्गन एलिमेंट है, नियॉन एलिमेंट है, ठीक है बच्चे। अच्छा इसके बाद बच्चे अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, टाइप्स ऑफ एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज, किस लिहाज से करें भला? एलिमेंट्स की अकसाम बताएं विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज, तो मे बी थ्री टाइप, फिर थ्री टाइप्स, कितनी अकसाम हो भला? दे मे बी मेटल्स, दे मे बी नॉन मेटल, और मेटलॉइड्स, ठीक है बच्चे। प्रॉपर्टीज के लिहाज से एलिमेंट कितने अकसाम के होते हैं भला? कौन कौन से अकसाम? खसूसियात समझ आ गई बच्चे? वो क्लियर है भाई? इसके बाद हम आ जाते हैं, वैसे मैंने डायरेक्ट ये बता दिया व्हाट इज केमिस्ट्री, और ये सारे तो पहले बता दो मैटर का, मैटर मिल लेते हैं, ठीक। अच्छा बच्चे इसके बाद हम आ जाते हैं कंपाउंड पे, एलिमेंट मैंने बता दिए, एलिमेंट है क्या, ठीक है, और एलिमेंट कितने लिहाज से तबई हालतों में पाए जाते हैं, कितने अकसाम है विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी। और बच्चे याद रख ले हम एलिमेंट को संबल से जाहिर करते हैं, किससे बोला? संबल क्या होता
जी लैटिनी या इंग्लिश नाम का एक एब्रीविटिव है ठीक, तो संबल संबल से हम किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया जाए ठीक। तो बच्चे अब कंपाउंड क्या होता है, बच्चे अगर कंपाउंड के रिलेटेड हम बात करें तो कंपाउंड क्या होता है, व्हाट इज ए कंपाउंड भैया, यहां से कंपाउंड क्या होता है बच्चे, अगर कंपाउंड की मैं एग्जांपल लिख दे, हां बच्चे नॉन मेटल आयन टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल वो इलेक्ट्रॉन हासिल कर, मेटल आयन्स हैव कैरेक्टर इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन, उनकी जो कैरेक्टर है खासियत वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान ही सही है बच्चे। अच्छा व्हाट इज कंपाउंड, ये कंपाउंड क्या है बच्चे, मिसाल सुने कंपाउंड की, ये हमारे पास कंपाउंड की मिसाल मैं लिख रहा हूं, NaCl एक कंपाउंड है, NaCl क्या वाला, अच्छा किसी लिहाज से हम H2O को भी कंपाउंड कह सकते हैं ठीक है बच्चे, अब क्या मैं H2 को कंपाउंड कह सकता हूं, नहीं बच्चे ये एलिमेंट है, H2 क्या वाला एलिमेंट को मैंने क्रॉस कर लिया, ये कंपाउंड नहीं है भाई, तो एलिमेंट ये क्या वाला एलिमेंट, तो ये दो कंपाउंड, कंपाउंड को आप गौर से देखें तो वहां डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स आ रहे हैं, यहां भी दो अक्साम के एलिमेंट है, यहां भी दो अक्साम के एलिमेंट है। अच्छा एक और कंपाउंड हमारे पास हो सकता है, यू H2O2 ये भी कंपाउंड है ठीक, सर ये जो O2 का वो एलिमेंट हो O2 एलिमेंट नॉट कंपाउंड ठीक, O2 इज एलिमेंट, H2 इज एलिमेंट, Cl2 भी एलिमेंट, वो कंपाउंड नहीं है बच्चे ठीक। हाँ H2O कंपाउंड है भाई, NaCl कंपाउंड है, H2O2 कंपाउंड है, CO2 कंपाउंड है, CO भी कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब अगर गौर से बच्चे देखें तो कंपाउंड को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते, यहां देखें अब तक कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का यहां 30, यहां बच्चे कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का एक एटम मैंने 16 लिख ठीक है बच्चे, समझ आई बात। अब बच्चे कंपाउंड में पहली जो बात वो ये कि वहां एलिमेंट्स मिलते हैं केमिकल फिजिकल नहीं, कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए एलिमेंट्स मिलते हैं कैसे बोला, केमिकल नॉट फिजिकल, मिक्सचर में एलिमेंट मिलते हैं फिजिकल, कंपाउंड मिल सकते हैं फिजिकल इन मिक्सचर, बट इन केस ऑफ कंपाउंड जो कंपाउंड का केस है वहां एलिमेंट मिलते हैं केमिकल, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि विद द स्पेसिफिक रेशियो मिलते हैं, एक खास रेशियो से मिलते हैं, जैसे यहां देखें, यहां अगर नंबर ऑफ एटम की रेशियो देखें कार्बन ऑक्सीजन में तो है 1:2, जब एक एटम कार्बन का मिले दो एटम ऑक्सीजन से केमिकली तो कार्बन डाइऑक्साइड बने, हां जी बच्चे कल प्लीज कर लिया बच्चे, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी ना नहीं पढ़े ना एक किताब केमिस्ट्री का पहला सबक बोल, आप फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज मिले ओके बच्चे, वो सही है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक तो वो जहरी शक्ल और सूरत के लिए तबई हालत के लिए, यानी आप यूं कह सकते हैं properties related to physical state are known as physical property and properties related to structure, composition, internal structure are known as chemical property, chemical change जब वाकई हो जाए तो हम उसे तबई तरीकों से वापस नहीं लेके आ सकते, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के वाटर बना दे और अब आप क्या सर ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ये वापस अपनी हालत में आ जाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो तबई तरीकों से नहीं आते, वहां में केमिकल मैथ लगाना ठीक है भाई। तो भाई अब यहां पे ये देखिए 1:2 से कार्बन और ऑक्सीजन मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड बने, लेकिन 1:1 से मिले तो कार्बन मोनोऑक्साइड, एलिमेंट वही दो है, एलिमेंट नहीं बदले सिर्फ रेशियो बदली, कंपाउंड चेंज हो, कंपाउंड क्या हुआ है सेम एज रेशियो बदली है कंपाउंड चेंज। तो कंपाउंड बच्चे क्या होता है, कंपाउंड कैन बी डिफाइन एज, कंपाउंड को हम यू डिफाइन कर सकते हैं, ये आपका अगर बुक में आपको हिंट्स में मिलेगा कंपाउंड की डेफिनेशन, व्हाट इज कंपाउंड, कंपाउंड इज प्योर सब्सटेंस, क्या बोला प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड इज प्योर सब्सटेंस
विच इज अ फॉर्म जो बनता है, विच इज फॉर्म जो बनता है बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स विद द स्पेसिफिक रेशियो, स्पेसिफिक रेशियो ठीक है बच्चे। एली कंपाउंड द प्योर सब्सटेंस विद द फॉर्म जो बनता है बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, उसमें एलिमेंट्स केमिकल तौर पर मिले हुए होते विद अ स्पेसिफिक रेशियो, एक खास रेशियो से, तो सब क्या बनता है कंपाउंड। समझ आ गई बच्चे कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है, आपको समझ आ गई? असल बच्चे आपको समझ आइए ये तो परेशान हो बड़े बड़े मालूम होने मेरे नाम ना चले। हाँ कंपाउंड की डेफिनेशन समझ आ गई बच्चे। अच्छा अब नेक्स्ट बात सुनिए, कंपाउंड में भी टू टाइप्स मेनली कौन सो डिफरेंट टाइप्स, कंपाउंड हैव टू टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपाउंड, वो दो अक्साम बच्चे, या तो कंपाउंड हो सकता है आयोनिक, क्या हो सकता है भला, या फिर हो सकता है कोविलेंट, कोविलेंट तो बच्चे या हमारा कंपाउंड हो सकता है कोविलेंट या फिर हो सकता है आयोनिक, इनमें फर्क आपने समझना है आयोनिक और कोविलेंट। बच्चे आयोनिक कंपाउंड में आयोनिक बांड और कोविलेंट कंपाउंड में कोविलेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है वो ये है कि बच्चे आयनिक कंपाउंड हैव नॉट मालिक, इनके मालिक आयनिक कंपाउंड क्या नहीं होते मालिक, कोविलेंट कंपाउंड का सिंपलेस्ट यूनिट इज नोन एज मालिक, कोई कंपाउंड भाई ये देखो बीकर में हमारे पास वाटर पड़ा है और ये कोविलेंट कंपाउंड है ना, वाटर कोविलेंट NaCl आयनिक कंपाउंड है बच्चे। तो भाई H2O का जो सिंपलेस्ट यूनिट होगा सबसे छोटा सा वो मालिक, वो क्या बोला मालिक, आप यू कह सकते हैं सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ कोविलेंट कंपाउंड विच इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोविलेंट कंपाउंड इज नॉन एज मालिक, वो क्या बोला मालिक। बट इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड देर आर नॉट मालिक, मालिक यू नहीं, क्या नहीं तो बोला मालिक। अब सवाल ये है देर आर नो मालिक्यूल ऑफ आयनिक कंपाउंड, व्हाट इज रीजन, रीजन क्या आयनिक कंपाउंड के मालिक्यूल क्यों नहीं होते भाई, जवाब जवाब इसका बस यही है, इसके लिए हमें आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पर, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, सॉलिड होते और सिर्फ सॉलिड ही नहीं है बल्कि थ्री डायमेंशनल सॉलिड, जैसे NaCl है बच्चे तो उसका एक टुकड़ा होता है बकाया यू। अब NaCl का अकेला NaCl ये जो यूनिट है ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, समझ आइए भाई, जो अकेला एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव मिलेगा तो जो यूनिट बनेगा वो एग्जिस्ट भी नहीं करता, वो स्टेबल नहीं होता, बल्कि Na पॉजिटिव काफी सारे आयन काफी सारे Cl नेगेटिव मिलते और एक टुकड़ा बनता है NaCl, जिसे हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल है, क्या कहते बोला समझ आई बच्चे। तो Na कंपाउंड हैज नो मालिक, व्हाट इज द रीजन, रीजन इज दैट भाई Na कंपाउंड के मॉलिक्यूल क्यों नहीं होते, रीजन इज दैट द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ NaCl नॉट एक्जिस्टिंग डिपेंडेंट, वो ज्यादा ना बरकरार नहीं रहते सो दैट हैव नो मॉलिक्यूल, और इनका जो सिंपलेस्ट यूनिट होता है जैसे NaCl सिंपलेस्ट यूनिट है, NaCl क्या है बोला Na कंपाउंड का एक सिंपलेस्ट यूनिट है, तो इसे मैं क्या बोलूं, मेरे से मॉलिक्यूल तो कहा नहीं, दैट इज नोन एज फॉर्मूलेशन, ये क्या गलत है बोला भाई, सुन ले बच्चे Na कंपाउंड का सिंपलेस्ट यूनिट कहलाता है फार्मूला यूनिट, यानी NaCl इज अ फार्मूला यूनिट नॉट मॉलिक्यूल एंड H2O इज मॉलिक्यूल नॉट फार्मूला यूनिट, सही है भाई। क्या मैं H2O को हसन उस्मान बच्चे कंपाउंड कह सकता हूं, नहीं, बट दैट इज मॉलिक्यूल की याद रख, क्या मैं H2O को कंपाउंड कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं, क्या ये मॉलिक्यूल भी है, हाँ मॉलिक्यूल भी है ठीक है, क्या NaCl को मैं कंपाउंड कह सकता हूं, जी कह सकता हूं, क्या ये मॉलिक्यूल है, नहीं,
तो बच्चे आपको एंट्री टेस्ट में इस तरह के सवाल मिलेंगे, विच वन इज कंपाउंड एज वेल एज मालिक, इनमें से कौन कंपाउंड भी है मालिक्यूल भी, उसके लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन दोस्त H2O, मालिक्यूल भी है कंपाउंड भी। और अगर यू आ जाए विच वन इज नॉट मालिक्यूल बट नॉट कंपाउंड, और अगर आ जाए सवाल विच वन इज कंपाउंड एज वेल एज फार्मूला यूनिट, वो LHCl। ठीक है भाई, आने कंपाउंड के मालिक्यूल होते हैं नहीं, क्यों नहीं, नहीं आप नहीं करते। ठीक है, अच्छा दूसरी बात सुने, मालिक्यूल फॉर्म, मालिक्यूल उस वक्त बनते हैं व्हेन एटम कंबाइंड, जब एटम मिलते हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड में तो आयन से मिलते हैं, एटम मिलते ही नहीं है, आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन में क्या मिलते हैं, जब एटम मिलते नहीं बच्चे, आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ आयन नॉट एटम। ठीक है बच्चे, मुझे समझ आ गई इसकी, तो भाई आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल नहीं है, कोवेलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल है, आयनिक कंपाउंड को सिंपलेस्ट यूनिट क्या कहलाता है, फार्मूला यूनिट कहलाता है, एक बात सुनिए बच्चे, आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल एक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते, वो मॉलिक्यूल कब, इन वेपर, आप NaCl को गर्म करते जाए, गर्म करते हैं वो पिघल जाएगा, पिघलने का वेपर्स बनाएगा। ठीक है, तो वेपर फॉर्म में आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक, और वो सॉलिड फॉर्म में उसकी कोई बात नहीं, वो फार्मूला यूनिट्स। ठीक है बच्चे, समझ आ गई बच्चे, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन तो पूछ। अच्छा मुझे नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास, अब हमने तो आप, मैंने आप बताया था व्हाट इज केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री क्या है, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री बच्चे क्या है, आपने फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ ली, फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है, क्या होती है हसन उस्मान बच्चे, भाई बात सिंपल है, अगर बात फिजिक्स फिजिक्स की, तो वहां भी हम स्टडी करते हैं मैटर की, बट विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, किस रिस्पेक्ट से करते हैं, बट इन केस ऑफ केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री का केस हो तो हम एनर्जी को स्टडी, थर्मोकेमिस्ट्री में जरूर थोड़ी बहुत करते, लेकिन ओवरऑल अगर केमिस्ट्री की बात हो ना, तो व्हाट इज केमिस्ट्री, तो बोले केमिस्ट्री में हम मैटर की तीन चीजें मेनली पढ़ते हैं, कितनी वाला, हम मादा की तीन चीजें केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, नंबर वन उसकी प्रॉपर्टीज, ओके बच्चे क्या पढ़ते वाला, नंबर टू पर मादा की कंपोजिशन, ओके बच्चे, एंड नंबर थ्री पर उसके रिएक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे डिफाइन केमिस्ट्री, तो आपने कहना द ब्रांच ऑफ सेस, सेस की वो शा इन विच वी स्टडी प्रॉपर्टीज कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ मैटर इज नोन एज केमिस्ट्री। समझ आ गई भाई, व्हाट इज केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ सेस विच डील विच स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज कंपोजिशन एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज नोन एज केमिस्ट्री, वो क्या कहलाएगी बोला, केमिस्ट्री कहलाएगी। ओके बच्चे, बच्चे अगर हम चैप्टर में जाए, चैप्टर नंबर वन जिसका हम शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट, अगर आप वहां जाके देखेंगे ना, तो वहां सबसे आपको जो बुनियादी चीज मिलेगी वो सबसे पहले मिलेगा एटम, एलिमेंट तो मैंने बता दिया, कंपाउंड भी बता दिया, कि एटम क्या होता है, व्हाट इज एटम, बच्चे एटम के रिलेटेड आपने सुनना है, ये एटम क्या होता है, अगले पॉइंट में क्या बोला, एटम, एटम क्या, व्हाट इज एटम, समझ आई बच्चे, बच्चे एटम क्या है भाई, व्हाट इज एटम, एटम क्या होता, बच्चे अभी मैंने बोला था ये सोडियम का टुकड़ा, सोडियम एलिमेंट, तो उसका जो सबसे छोटा रिप्रेजेंटेटिव जर्रा है वो एटम, क्या बोला भाई, ये सोडियम का टुकड़ा है, उसमें सबसे छोटा वो जर्रा जो उसकी सारी खसूसियात रखता है वो उसका एटम, वो क्या बोला उसका, समझ आइए बच्चे,
व्हाट इज एटम? किसी एलिमेंट का वो छोटे से छोटा जरा जो उसके सारे खसूसियात है, वो उसका क्या कहलाता है? वो उसका एटम है। सोडियम का सबसे छोटा जरा सोडियम का एटम, कैल्शियम का सबसे छोटा जरा कैल्शियम का एटम, ठीक। तो एटम को हम डिफाइन यू करते हैं, दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ रिएक्शन एज अ यूनिट, जो एक केमिकल रिएक्शन में एक यूनिट के तौर पे हिस्सा लेते। क्या करता वाला? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम को कैसे डिफाइन करेंगे? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन द रिएक्शन एज अ यूनिट, जो रिएक्शन में एज अ यूनिट हिस्सा लेता है वो क्या कहलाता है? वो एटम है। वो क्या कहलाता वाला? मुझे समझ आई एटम की डेफिनेशन? समझ आ गई? समझ आ गई? अच्छा एक और बात बच्चे, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि जिनके एटम एक एक एटम आजाद है ना, बरकरार नहीं रहता। क्या नहीं रहता भला? कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनका अकेला एक एटम आजाद है ना, बरकरार नहीं रहता, यानी वो एक्सिस्ट नहीं करता इंडिपेंडेंट। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चे, आप हाइड्रोजन अकेला बरकरार नहीं, अब जब भी देखेंगे तो आपको नजर आएगा H2, दो एटम मिलकर दो मिलकर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक। तो बच्चे इस तरह अगर आप हीलियम को देखें H2, तो वो अकेला एक एटम बरकरार है, ठीक। तो याद रख ले, कुछ एलिमेंट के एटम अपने आप को अकेला इंडिपेंडेंटली बरकरार रखते हैं और कुछ ऐसा नहीं करते, ठीक। हीलियम ऐसे, जितनी भी नोबेल गैस हैं उनके अकेले एटम एग्जिस्ट करते, ठीक। क्या कहते हैं भला? अगर आपको मॉलिक्यूल की कहीं डेफिनेशन आपने पढ़ी हो, तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, मादे का वो छोटा छोटा जरा है जो आजाद ना बरकरार है, H2O आजाद ना बरकरार है, इसको मैं मॉलिक्यूल जरूर कहूं। HE को भी मॉलिक्यूल कहूं, एटम भी एज वेल एज मॉलिक्यूल भी, बिल्कुल एलिमेंट, एलिमेंट भी मॉलिक्यूल भी, ठीक। और वो अकेला एटम, ठीक है बच्चे, बरकरार है। समझ आई बच्चे? अच्छा बच्चे, अगर आप पुराने दौर में जाए ना, लेटर दौर, तो एटम के लिहाज से ये थिंकिंग थी लोगों की कि एटम वो छोटे से छोटा जरा है मैटर का, मादे का, जिसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते भला? यानी शुरू ये थिंकिंग थी, क्या थिंकिंग थी कि एटम ऐसे इंडिविजिबल, एटम क्या भला? शुरू में क्या थिंकिंग थी? एटम ऐसे इनडिविजिबल, जिनको ना काबिले तकसीम। क्या बोला बच्चे? एक मॉडर्न रिसर्च आजकल के जमाने में हम इस नतीजे में पहुंच चुके हैं कि एटम कैन बी डिवाइडेड। एटम क्या बोला बच्चे? शुरू में ये सोच थी कि एटम जो ना उसको मजीद हम नहीं डिवाइड कर सकते। क्या थी बोला? बोले यार, लेकिन अब मॉडर्न दौर में क्या बच्चे हमें पता चला है रिसर्च से, प्रैक्टिकली तौर पर पता चला है कि एटम में तो फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल है। एटम में क्या वाला? इन मॉडर्न रिसर्च क्या है? एटम इंडिविजिबल नहीं, एटम इज डिविजिबल, वो काबिले तकसीम है। एंड एटम हैज सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम में क्या वाला? बोले भाई, एटम हैज सब एटॉमिक पार्टिकल, उसमें तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है बच्चे, और नियरली मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल एटम में पाए। इतने भला बच्चे, एटम को आम आंख से हम देख नहीं सकते, पक्की बात, ठीक। लेकिन ये भी पक्की बात है कि उसके उसमें मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। उसमें क्या है भला? मोर देन 100 क्या है भला? एटम के अंदर मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, ठीक है। जिन में से उन 100 में से उसमें 100 सब एटॉमिक पार्टिकल फर्ज कर, उन 100 में से इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चे, क्या बोला? प्रोटॉन,
और एड न्यूट्रॉन, दैट्स आर नोन एज फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्ट। इनको क्या कहते हैं भला? ये बुनियादी सब एटॉमिक पार्ट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर नोन एज फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्ट। ये फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्ट। ओके बच्चे। अच्छा बच्चे, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि सिक्स सब एटॉमिक पार्ट, छह सब एटॉमिक पार्टिकल के नाम बताएं, तो तीन तो वो आ गए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तीन और के आपने नाम बताने, तो बच्चे आपने याद रखना है इन तीन के अलावा तीन और के नाम। वो तीन और कौन से? हाइप्रॉन, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। ये तीन और मैंने आपको बता दिया। और आपसे पूछा गया, शॉर्ट सवाल आता है, गिव सिक्स सब एटॉमिक पार्टिकल, छह सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम बताएं, तो क्या क्या होंगे भला? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइड्रॉन न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, ये छह सब एटॉम। ठीक है बच्चे, क्या एटम इंडिविजिबल है? उमर बच्चे, एटम इंडिविजिबल क्या है? उसमें कितने सब एटॉमिक पार्ट है? आदि। अच्छा, फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। बच्चे आप मॉडर्न रिसर्च ये कहती है, हम तो एटम के डिवाइडेबल की बात सोच रहे हैं, मॉडर्न रिसर्च ये कहती है कि खुद जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इसमें भी छोटे जरात है। इसमें क्या है भला? जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है